सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। सब बच्चों कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, नया साल आ चुका है, सो आई होप इस साल आप बहुत ही अच्छे अच्छे नंबर से पास हो। ठीक है, आप अपने मम्मी पापा को बहुत ज्यादा प्राउड फील करवाओ, आई होप ऐसा। ठीक है, सो आज को जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी हम लोग ने हमारा लेसन नंबर 11th शुरू कर दिया था, दैट इज एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक है, एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग कैसे प्लांट की स्पीशीज को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम लोग एनिमल्स की स्पीशीज को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। सही बात है, ये हम लोग बातें चल रही थी, जिसमें मैंने ऑलरेडी लास्ट वाले जो टॉपिक था, ठीक है, लास्ट वाला जो हमारा लेसन था, उसमें मैंने आप लोग को प्लांट का जितना भी ये था टॉपिक था वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा था। ठीक है, प्लांट वाला टॉपिक मैंने हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज हमारा एनिमल वाला टॉपिक। ठीक है, कि हम लोग एनिमल्स में कैसे चीजों को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे कौन कौन से अलग अलग टेक्निक्स हम लोग यूज करके हमारा एनिमल से रिलेटेड जो फूड है उसको इन्हांस कर पाएंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना है कि अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जरूर से एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लेना। हर लेक्चर में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, क्योंकि जिस बच्चे को नहीं पता हो, जो पहली बार देख रहा हो, उसे कुछ अच्छी चीजें मिल जाए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन पे बहुत सारे चीजें आपको देखने मिलेंगी, नोट्स आपको देखने मिलेंगे, क्विजेस आपको देखने मिल ही रहे होंगे अभी। ठीक है, क्विजेस अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आप जाके वहां पे क्विजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको वहां पे लेक्चर्स आने वाले हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, तो जरूर से डाउनलोड कर लेना। 14-15 MB की एप्लीकेशन है, ज्यादा आपका नेट भी नहीं जाएगा। ठीक है, ऑल्सो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, कोई डाउट है आपके मन में, ठीक है, हमारे पूरे सेशंस के थ्रू, मैंने 11th लेसन चल रहा है ना, मतलब मैंने एक से लेके पूरे 10 लेसन पढ़ाया है, 11th लेसन पढ़ा रहा हूं, बाकी के सारे लेसन में पढ़ाने वाला, तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा किसी भी लेसन से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली आके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी पसंद आता है तो जरूर से आप वहां पे आके मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट वाले में भी ये टॉपिक दिखाया था, लास्ट वाले लेक्चर में भी ये वाला आपको स्लाइड दिखाया था कि हम लोगों को फूड प्रोडक्शन किसमें इंक्रीज करना है। एक तो हमको इंक्रीज करना है प्लांट में और एक तो हम लोग इंक्रीज करना है एनिमल्स में। सही बात है। ठीक है, प्लांट्स वाला जो टॉपिक था वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, जिसने नहीं देखा है देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स के बारे में हम लोग क्या पढ़ना है कि कैसे हम लोग मीट के कंटेंट को इंक्रीज कर पाए। अब देखो, दो ही टाइप का फूड सोर्स है ना हमारे पास, एक या तो प्लांट या तो एक एनिमल्स। ऐसा कोई ऐसे किसी को जानते हो तुम लोग कि जो धूप में खड़ा हो कैसे जादू की तरह बोलेगा, नहीं भैया मैं तो फोटोसिंथेसिस कर लेता हूं, ऐसा है क्या? नहीं, हम लोग को डिपेंड होना पड़ता है दूसरा ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो या तो हम प्लांट के ऊपर डिपेंड होंगे या तो हम लोग एनिमल्स के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। सही बात है। तो एनिमल्स में हम लोग कौन कौन सी चीजें मिल सकती है, या तो हम लोग को मीट मिल सकता है, ठीक है, मिल्क, एग, हनी और फिशेस, ये सारी चीजें हम लोग किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, देखो, ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ स्टॉक लाइफ। ठीक है, ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ स्टॉक लाइफ। ब्रीडिंग मतलब क्या? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहां पे लिख लो आरटी, एक सेकंड, स्पेलिंग गलत हो गई, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहां लिख लेना आगे हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियली हम लोग हाइब्रिड करवाएंगे अलग अलग स्पीशीज को। ठीक है, अलग अलग स्पीशीज को हम लोग ने क्या किया, आर्टिफिशियली हाइब्रिड करवा दिया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीडिंग। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दैट इज रेजिंग ऑफ द स्टॉक लाइफ। ठीक है, जो स्टॉक लाइफ मतलब क्या, वो एनिमल्स जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं, पालने वाले हैं, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग ये करेंगे ना कि कुछ एनिमल्स को हम लोग क्या करेंगे, अपने घर पे रखेंगे। ठीक है, अपने घर पे नहीं रखेंगे, अपने घर के आसपास ही रखेंगे, उसको हम लोग पालेंगे, अच्छा अच्छा फूड सोर्स देंगे, प्रॉपर उसको मेडिकेयर देंगे, मेडिसिन देंगे, ठीक है, ताकि उसको कोई बीमारी ना हो। साथ ही साथ हम लोग कॉन्सेप्ट एनिमल्स को यूज करेंगे दैट इज ब्रीडेड एनिमल्स को, मतलब उसको हम लोग अच्छी ब्रीडिंग करवाएंगे ताकि हमारा जो प्रोडक्शन निकल रहा है, ठीक है, हमारा जो प्रोडक्शन निकल रहा है, चाहे आप बात करो मिल्क की, चाहे आप बात करो एग की, वो ज्यादा क्वांटिटी में हो और उसका क्वालिटी भी क्या हो, अच्छा हो। सही बात है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हाइब्रिडाइजेशन में, दैट इज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ द लाइफ स्टॉक्स। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, दैट इज पोल्ट्री फार्मिंग, काउ फार्मिंग, ठीक है, मतलब जो हम लोग पालते हैं ना, गाय भैंस पालते घर पे वो, ठीक है, एंड दैट इज फिशिंग। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हम लोग ने करनी है किसके अंदर, एनिमल हस्बेंड्री में। तो एक चीज मैं आपको बता दूं लाइफ स्टॉक के बारे में, अगर मैं दुनिया की पॉपुलेशन की बात करूं, ये बात मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में बताई थी, ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में बताई थी कि अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो पूरे दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया का 75%, ठीक है, पूरे दुनिया का 75% लाइफ स्टॉक किसके पास है, इंडिया और चाइना के पास है। ठीक है, इंडिया और चाइना का अगर मैं लाइफ स्टॉक मिला दूं तो वो कितना हो जाएगा पूरी दुनिया का, 75%। ठीक है, कितना हो जाएगा वो, 75%। लेकिन
अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो कितना होगा, दैट इज 25%, ठीक है, मतलब पूरे दुनिया का सिर्फ और सिर्फ हम लोग मिला के सिर्फ और सिर्फ कितना बना रहे हैं, दैट इज 25%। इतनी बात क्लियर है, मतलब इस चीज को हमें इंप्रूव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर है ये बात, ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं, ठीक है। डेयरी फ्रॉम द मैनेजमेंट, अब हमको अगर डेयरी मैनेज करना है, ठीक है, अगर एक डेयरी मैनेज करना है, काउस को बफेलस को मैनेज करना है, तो कौन कौन सी चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि देखो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा, ये बोल सकते हैं हम लोग आगे चल के फ्यूचर में स्कोप बन सकता है कि बहुत, देखो इसमें बहुत ज्यादा फायदा है। आप लोगों को देखा होगा बहुत सारे लोग जो प्योर मिल्क होते हैं उसको बहुत ज्यादा पैसों में बेचते हैं, ठीक है, 120 रुपए लीटर, 140 रुपए लीटर, और जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो लोग खरीदते भी क्योंकि उनको प्योर मिल रहा है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा है। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज सिलेक्शन ऑफ अ गुड ब्रीड, ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छी ब्रीड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा। मैं बताऊंगा अभी कौन कौन सी ब्रीड अच्छी होती है, कौन कौन सी अच्छी ब्रीड होती है, काउस की बफेलोस की, वो आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहला काम, फिर उनको हाउसिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे नहीं आप सिलेक्ट करके पालतू लेकर कहीं पे भी छोड़ दो, नहीं, उसको एक प्रॉपर एक हाउसिंग उनके लिए बनानी पड़ेगी, ठीक है, जहां पे उनको सारी चीजें मिलती रहे। फिर उनको खाना देना पड़ेगा, दैट इज वी हैव टू फीड देम, ठीक है, उनको जो भी देना पड़ेगा, चारा दो, ठीक है, ग्रासेस दो, जो भी चीजें आप हम लोग रिस्पेक्टिव एनिमल जो भी चीजें खाता है उसको वो देनी पड़ेगी, वो भी अच्छे क्वालिटी की, साथ ही साथ वहां पे क्लीनलीनेस मेंटेन करनी पड़ेगी। देखो अब इंसान जहां पे रहता है वो अपनी जगह तो साफ करता ही है, ठीक है, क्योंकि इंसान के पास दिमाग है ना, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं इनके पास इतना ब्रेन नहीं है, उनको नहीं पता कि अगर यहाँ पे मैं गंदगी फैला दूंगा या दूंगी तो उसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरियाज आ सकते हैं, बहुत सारे वायरसेस आ सकते हैं, तो वो हमें पता है, इसलिए हमें वहां पे क्लीनलीनेस को भी मेंटेन करना पड़ेगा। साथ ही साथ रेगुलर विजिट टू वेट, वेट मतलब क्या, डॉक्टर, ठीक है, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे उसके रिस्पेक्टिव डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, समझा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। नाउ डेयरी फार्मिंग, ठीक है, डेयरी फार्मिंग अगर बात करूं तो कौन कौन से ब्रीड्स हम लोग को मिलेंगे, बफेलोस के और काउ के। तो यहाँ पे देखो बफेलोस के कुछ इंडियन वेराइटीज है, यहाँ पे जैसे एक है मुर्राह, ठीक है, मुर्राह कुछ एक वेराइटी है, फिर एक है मेहसाना, एक है श्रुति और एक है जफराबादी, ठीक है, ये कुछ चार वेराइटीज के मैंने यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, तो आप लोग को इसको लर्न करना है। देखो मैंने लेसन के स्टार्ट में बोला था, लास्ट वाले लेक्चर में बोला था कि इसके ऊपर ज्यादा कुछ समझाने जैसा नहीं है, इस पूरे लेसन में ज्यादा कुछ समझाने वाली बातें नहीं है, कुछ इस लेसन में मोस्टली चीजें क्या है, फैक्ट्स है, ठीक है, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे आपको अपने बुक में लिख लेना है, ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो और अपने बुक में नोट डाउन कर लो और इस चीज को क्या कर लो, मेमोराइज कर लो, क्योंकि ये लेसन ऐसा ही है, ठीक है, इस लेसन में ज्यादा कुछ नई नई चीजें कुछ सीखने जैसा नहीं है, ठीक है, नॉर्मली क्या है, कुछ फैक्ट्स है जो आपको मैं बता रहा हूं, इतनी बातें क्लियर है। तो बफेलो के ये चार अच्छे वैरायटीज है, सुपीरियर वैरायटी मानी जाती है, जहां पे हमको क्या मिलेगा, अच्छे क्वालिटी का दूध मिलता है, ठीक है, सो बोल सकते हैं हम लोग मुर्राह, मेहसाना, शुरती और जफराबादी। नेक्स्ट अगर मैं काउ की बात करूं तो काउ में दो चीजें होती है, एक तो इंडियन ब्रीड और एक तो फॉरेन ब्रीड। इंडियन ब्रीड की बात करूं तो एक है दैट इज बॉस इंडिका, ठीक है, बॉस इंडिका, इंडिका नाम है ना इंडिया, ठीक है, तो बॉस इंडिका ये कौन से स्पीशीज है, इंडिया की स्पीशीज है, इंडिया की ब्रीड है। और वहीं अगर मैं बात करूं फॉरेन की ब्रीड की तो दो है, दैट इज जर्सी और ब्राउन स्विस, ठीक है, ये दो एग्जांपल आप लोग को याद करने हैं, एक जर्सी गाय, ठीक है, जो अपनी नहीं है, इंडिया की नहीं है, दैट इज फॉरेन कंट्री की है, और एक है ब्राउन स्विस। क्लियर है इतना, ठीक है, समझा इतना, आ जाओ नेक्स्ट पे जंप करते हैं, दैट इज पोल्ट्री फार्मिंग। अब पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है, देखो पोल्ट्री फार्मिंग मतलब जो हेंस होते हैं ना, चिकन्स होते हैं, ठीक है, चिकन हेग उनको फार्म करना, ठीक है, चिकन्स और एग, चिकन और हेंस को क्या करना, फार्म करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग। अब देखो हर फार्मिंग में, ठीक है, जितने भी फार्मिंग होंगे उसके अंदर ये क्राइटेरिया सेम होगी, कहां गया, ये जो क्राइटेरिया है, ठीक है, ये क्राइटेरिया सेम होगी कि आपको सारे के सारे मैनेज कैसे करना है, चाहे आप डेयरी फार्मिंग ले लो, चाहे आप पोल्ट्री फार्मिंग ले लो, चाहे आप पिसिकल्चर ले लो, कोई भी चीज के अंदर होगा उसके अंदर ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होंगी। तो ये लाइन आपको सब में लिखोगे तो चलेगा, कौन कौन सी लाइन है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड, अच्छे ब्रीड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हाउसिंग, उन्हें प्रॉपर एक हाउस देना है, ठीक है, फीड करना है, क्लीनलीनेस, और उनको उनके रिस्पेक्टिव डॉक्टर के पास लेकर जाना है, ठीक है, समझ में आ रही है। तो पोल्ट्री फार्मिंग में यही सारी चीजें लगती है, इससे मिलता क्या हम लोग को, पोल्ट्री फार्मिंग से हम लोग कौन कौन सी चीजें हम लोग को मिलती है, तो सबसे पहले हम लोग क्या मिलती है, या तो मीट मिल सकता है या तो एग मिल सकता है, ठीक है, मीट और एग के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। और कौन से दो स्पीशीज हम लोग को यहाँ पे दिए हुए बुक में, वो दो स्पीशीज यूज होते हैं, हेन की दो स्पीशीज दी हुई, दैट इज एस्केल और लेगहॉर्न, ठीक है, एस्केल और लेगहॉर्न दो वेराइटीज है जो हम लोग यूज करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, जिससे हम लोग को ज्यादा अच्छे क्वालिटी का
बोल सकते हैं एग मिलता है और अच्छे क्वालिटी का हम लोग को मीट भी मिलता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, समझा? आ जाओ नेक्स्ट पे जम करते हैं, दैट इज अवर एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग। अब एनिमल ब्रीडिंग मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था ब्रीडिंग मतलब क्या, कि जैसे हाइब्रिडेशन होता था, ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर पढ़ाया था हाइब्रिडेशन, वैसा ही कुछ सेम कंसेप्ट है ब्रीडिंग के साथ। आप लोग के पास अगर कोई अच्छी ब्रीड है, ठीक है, जैसे आपके पास कोई गाय है, अब आपको उससे ज्यादा प्रोडक्शन करवा दो, तो किसी अच्छी ब्रीड का, ठीक है, किसी अच्छी ब्रीड के साथ उसका क्या करवा दो, ब्रीडिंग करवा दो या फिर हाइब्रिडाइजेशन करवा दो, तो उससे जो बेटा, जो भी ये बोल सकते हैं प्रोजेनी पैदा होगा, लड़का लड़की जो भी पैदा होगा वो क्या हो जाएगी, अच्छे ब्रीड की होगी। समझ में आ रही बात? मतलब क्या होगा कि उसका जो मतलब प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्रीडिंग बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो मेनली यहाँ पे हम लोग दो टाइप की बात करेंगे, दैट इज इंटरब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग। ठीक है, इंटरब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग मतलब क्या, देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक छोटा सा चार्ट बनाता हूं, दैट इज दो ब्रीड है, ठीक है, यहां पे एक छोटा सा, ओके, दो ब्रीड है, ठीक है, ब्रीड नंबर वन और ब्रीड नंबर टू, ठीक है, दो ब्रीड है, एक ही स्पीशीज के ये, ठीक है, ये सिंगल स्पीशीज के, एक ही स्पीशीज के है, से गाय एक स्पीशीज है, तो एक ही स्पीशीज के दो ब्रीड है। तो जनरली अगर आप एक ही ब्रीड के अंदर, ठीक है, आप उसी ब्रीड के अंदर ब्रीडिंग करवा रहे हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप ये चार गाय हैं, ठीक है, ये चार गाय और ये इसी ब्रीड के, तो आप अगर इनका ये फॉर एग्जांपल इस गाय का ब्रीडिंग आप इसके साथ करवा दोगे, तो ये उसी के जनरेशन के अंदर ब्रीड हो रही है, मतलब उसी के बोल सकते हैं हम लोग ब्रीड्स के अंदर क्या हो रहा है, इनका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है, क्रॉसिंग हो रहा है, तो मैं इसे क्या कहूंगा, दैट इज इंटर ब्रीडिंग। ठीक है, सॉरी इंट्रा, इंट्रा ये ना, हाँ ठीक है, इसे मैं क्या कहूंगा, दैट इज, समझा इतना? ठीक है, आप इसी को क्या करते जाओ, करते जाओ, ठीक है, यहां पे करते जाओ। तो बहुत अभी समझो फॉर एग्जांपल ये ब्रीड आपके लिए बहुत अच्छी है, तो आप क्या करोगे, आप किसी दूसरे से उसको ब्रीड नहीं करवाना चाहोगे ना, आप उस ब्रीड को उसी के साथ रहना चाहोगे, सही बात है, मतलब आपको वही ब्रीड चाहिए, तो ये ब्रीड आप क्या करना चाहोगे, कंटिन्यू करोगे अराउंड 5 to 10 जनरेशन तक। ठीक है, अराउंड कितने तक, 5 to 6 जनरेशन तक क्या करोगे, उसे आप कंटिन्यू करोगे। लेकिन एक इंटरब्रीडिंग में ना एक प्रॉब्लम, देखो इंटरब्रीडिंग में क्या प्रॉब्लम है, जनरली हम लोग को यहाँ पे ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने मिलता है। ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब क्या, कि जनरली अगर आप, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, भाई बहन की शादी करवा रहे, सही बात है, और नेचर इसके खिलाफ है। ठीक है, नेचर नहीं चाहती कि एक जैसा ही जीन बार बार रिपीट हो, ठीक है, एक जैसा ही जीन क्या हो, बार बार रिपीट हो। तो जनरली आप जब 5 या 6 जनरेशन इसकी आ जाएगी, 5th और 6th जनरेशन, ठीक है, इसकी आ जाएगी, तो इनमें ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने मिलेगा, मतलब ये आगे चल के ऐसा हो जाएगा इनके बॉडी के अंदर कि ये आगे चल के फर्टाइल नहीं हो पाएंगे, मतलब ये आगे चल के बेबीज फॉर्म नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप सिंपल सा क्या करोगे, फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर कुछ देखो आप लोग ने क्या किया था, इन दोनों पर्सन को, ये जो दो थे गाय थे, ठीक है, इनको मिला के ब्रीड किया था, लेकिन यहां पे जो दो बचे थे, ठीक है, इनको तो आपने ब्रीड छुआ ही नहीं ना, मतलब आगे चल के 5 जनरेशन तक ये ऐसे ही ट्रांसफर हुए, और इनके जो बोल सकते हैं हम लोग एंसेस्टर्स थे, वो इन दोनों में से कोई नहीं होगा, तो मतलब यहां पे भी कुछ ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे जो इनके 5-6 एंसेस्टर्स के पहले वाले हैं। तो आप जनरली क्या कर दो, इसको इसके साथ ब्रीड कर दो, ठीक है, इसको क्या कर दो, आप डायरेक्टली इसके साथ ब्रीड कर दो, तो इनकी जो इनफर्टिलिटी थी वो क्या चेंज हो गई, किसमें चेंज हो गई, फर्टिलिटी में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आउटक्रॉस। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आउटक्रॉस। और ये किसका एग्जांपल है, आउटब्रीडिंग का एग्जांपल है। मतलब अगर आप अपने में ही क्या करवा रहे हो, ब्रीडिंग करवा रहे हो, तो वो इंटरब्रीडिंग कहलाएगा, और अगर आप दूसरे किसी ब्रीड के साथ क्या कर रहे हो, उसको क्रॉस कर रहे हो, तो वो क्या होगा, आउटक्रॉस। नेक्स्ट क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, देखो यहां पे क्रॉस ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, कि अभी एक ब्रीड में आप सीन कर रहे थे, अब इसी को, ठीक है, यहां पे एक दूसरी कोई ब्रीड होगी, तो इसका ब्रीड इसके साथ फॉर एन एग्जांपल आप क्या कर दो, ये हाइब्रिड फॉर्म कर दो। ठीक है, इस ब्रीड को इसके साथ क्या करवा दो, हाइब्रिड फॉर्म करवा दो। तो अब देखो ब्रीड चेंज कर दिया आप लोग ने, यहां पे पहली एक ब्रीड थी, यहां पे एक दूसरी ब्रीड थी, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस ब्रीड। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज क्रॉस। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, यहां पे ये है, क्लियर है इतना। ठीक है, तो ये हो गई एक ब्रीड की कहानी। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पीशीज की, ठीक है, अगर मैं बात करूं स्पीशीज की, तो सिर्फ एक ही स्पीशीज थी। अगर यहां पे मैं दूसरी स्पीशीज लेके आ जाऊं, स्पीशीज नंबर 2, ठीक है, और एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज के साथ क्या करूं, ब्रीड करवाऊं। ठीक है, अभी तो देखो यहां पे क्या हुआ था, ब्रीड के ब्रीड में क्या चल रहा था, इंटरेक्शन चल रहा था। लेकिन अगर क्या हो, एक स्पीशीज जाके किसी दूसरे स्पीशीज के साथ क्या कर दे, ब्रीडिंग फॉर्म कर दे या फिर हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म कर दे, तो वहां से भी एक दूसरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो सकता है। ठीक है, यहां पर दूसरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, दैट इज हॉर्स और डोंकी का, हॉर्स और
डोंकी, ठीक है, दोनों अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन अब जब इन दोनों का क्रॉस होता है तो यहाँ पे एक दूसरी स्पीशीज बनती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूल, ठीक है, इंग्लिश में इसे खच्चर बोलते हैं, या सुना होगा आप लोग ने, तो म्यूल एक स्पीशीज बनता है जो क्या है, एग्जाम्पल है, दैट इज इंटरब्रीडिंग, ठीक है, इंटरब्रीडिंग। अच्छा यहां पे भी इंटर, ये इंट्राब्रीडिंग होगा, ये इंट्रा होगा, मैंने शायद इंटर लिख दिया, ठीक है, तो ये इंट्रा होगा मतलब अपने अंदर ही हो रहा है, ये होगा इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग, समझा इतना। इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग मतलब क्या, दो अलग अलग, ये क्या बोल सकते हैं, दो अलग अलग स्पीशीज को आप एक साथ क्या कर दो, ब्रीड कर दो, उसे मैं क्या कहूंगा, दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक ब्रीडिंग, समझा इतना, क्लियर है, ठीक है, तो आ जाओ यहां पे हम लोग देख लेते हैं, दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक ब्रीडिंग मतलब होता क्या है, ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक ब्रीडिंग मतलब क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सर जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक फीमेल हॉर्स को, ठीक है, जब आप एक फीमेल हॉर्स को एक मेल डंकी के साथ क्या करवाओगे, क्रॉस करवाओगे, ठीक है, जब आप एक फीमेल हॉर्स को एक मेल डंकी के साथ, डोंकी के साथ क्या करवाओगे, क्रॉस करवाओगे, तो वहां पे एक ऑर्गेनिज्म बनता है जिसका क्या नाम है, म्यूल, ठीक है, जिसका क्या नाम है, म्यूल, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, खच्चर। और लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये इनफर्टाइल होता है, ये क्या होता है, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल मतलब क्या, इसके पास अगेन फर्टिलिटी करने की क्षमता नहीं होती, ठीक है, कैपेबिलिटी नहीं होती, तो ये आगे चल के फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, इतनी बातें क्लियर है। और कुछ एग्जांपल दिए हुए, जैसे हिनी, ठीक है, हिनी किसका एग्जांपल, अब यहां पे देखो मैंने क्या लिया था, फीमेल हॉर्स लिया था, ठीक है, और मेल डोंकी लिया था, इसको अपोजिट कर दो, ठीक है, इसको अपोजिट कर दो तो क्या बन जाएगा, हिनी बन जाएगा, ठीक है, देखो जो वर्ड सबसे पहले दिया हुआ है वो मेल होगा और जो वर्ड बाद में दिया होगा वो क्या है, फीमेल होगा, इतना याद रखना, ठीक है, जो वर्ड पहले दिया वो क्या है, मेल, जो बाद में दिया वो क्या है, फीमेल, तो एच पहले दिया है यानी मेल क्या होगा, हॉर्स, ठीक है, अब यहां पे मेल क्या होगा, हॉर्स, यहां पे फीमेल हॉर्स थी, यहां पे फीमेल हॉर्स थी, अब यहां पे मेल क्या होगा, हॉर्स, और फीमेल क्या होगी, डोंकी, ठीक है, फीमेल क्या होगी, डोंकी, तो अगर आप ऐसा फर्टिलाइजेशन करवाओगे तो यहां पर क्या बनेगा, हिनी बनेगा। वैसे यहां पर एक और है, दैट इज लाइगर, ठीक है, लाइगर मूवी की बात नहीं कर रहा मैं, यहां पे लाई, ठीक है, तो ये मेल होगा और ये फीमेल, तो मेल लायन, ठीक है, प्लस फीमेल टाइगर, अगर मेल लायन की फीमेल टाइगर के साथ क्या करवाओ, ब्रीडिंग करवाओ, तो वो क्या कहलाएगा, लाइगर कहलाएगा। साथ ही साथ यहां पे टी गॉन, ठीक है, टाइगॉन, तो टी से आएगा टाइगर, यानी मेल क्या हो जाएगा, टाइगर प्लस लायन, ठीक है, फीमेल क्या हो जाएगी, लायन, इतनी बातें क्लियर है। तो हमेशा याद रखना जो पहला नाम है वो क्या है, मेल का नाम है, ठीक है, वो मेल दिखा रहा है, और जो बाकी का पिछला वाला नाम है वो क्या है, फीमेल का है। तो यहां पे क्या था, हिनी, हिनी एच फॉर एच से मेल है, तो मेल क्या हो जाएगा, हॉर्स, और फीमेल क्या हो जाएगी, डोंकी, ठीक है, इनका अगर आप ये करवाओगे, फर्टिलाइजेशन करवाओगे, तो यहां पे क्या फॉर्म होगा, हिनी फॉर्म होगा। ये चीज म्यूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है बच्चों, ठीक है, म्यूल में ऐसा कुछ नहीं होता कि पहला नाम फीमेल का है फिर मेल का, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, म्यूल में बस याद मत रखना, बाकी सब में ये याद रख लो कि पहला जो नाम है वो किसके लिए है, मेल के लिए, और दूसरा जो नाम है वो किसके लिए है, फीमेल के लिए। तो हिनी में क्या है, मेल हॉर्स, फीमेल डोंकी, ठीक है, लाइगर में क्या है, मेल लायन और फीमेल टाइगर, ठीक है, और टाइगॉन में क्या है, दैट इज मेल टाइगर और फीमेल लायन, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। इस चीज को हम लोग कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या फिर इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, समझा इतना, समझा, ये क्लियर है, ओके, चलो आज हम नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज बी कीपिंग के बारे में। बी कीपिंग को हम लोग एपिकल्चर भी बोलते हैं, एपिकल्चर मतलब क्या, जहां पे हम लोग हनी बीज को एक जगह पे कलेक्ट करते हैं और उनसे क्या करवाते हैं, हनी का प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है, उनसे क्या करते हैं, हम लोग हनी का प्रोडक्शन करवाते हैं, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो क्या कर दिया, ये कहां कहां पे यूज करते हैं, दैट इज कॉटेज इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज करते हैं इसे, कहां पे यूज करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और इसमें ज्यादा लेबर नहीं लगते, इसीलिए ये क्या है, इट इज नॉट अ लेबर इंटेंसिव, मतलब यहां पे ज्यादा लेबर नहीं लगते, बहुत कम लोग भी, मोस्टली देखा जाता है कि बहुत सारे अपने घर पे भी क्या करवाते हैं, एपिकल्चर कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा इसमें लोग नहीं लगते, बहुत ही कम लोग, एक या दो लोग भी एपिकल्चर नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है। क्या मिलता है इससे, तो बी बायवैक्स, ठीक है, बी वैक्स और हनी मिलते हैं, दो चीजें मिलते हैं, दैट इज बायवैक्स और हनी, ठीक है। बायवैक्स किस में काम आता है, दैट इज कॉस्मेटिक्स में काम आता है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स देखा होगा आप लोग ने, तो उसमें उसको बनाने में क्या काम आता है, बायवैक्स। वही अगर आप हनी की बात करो तो हनी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, जिसे हम लोग खाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो हनी बीज में क्या, हनी में क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, जो कहां से मिलता है हम लोग को, एपिकल्चर मिलता है। कौन सी हनी भी हम लोग यूज करते हैं, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, दैट इज एपिस इंडिका, ठीक है, दैट इज एपिस इंडिका, ये वो वेराइटी है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है,
जो बी कीपिंग के लिए यूज करते हैं। कैसे होता है देखो, यहाँ पे आप लोग एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये बी कीपिंग का एक मैनुअल सा हम्प है, ठीक है, हाउस है, जिसमें यहाँ पे कुछ ऐसे लेयर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ लेयर्स होते हैं, यहाँ पे ये लेयर है, इसके अंदर बीज क्या करेंगे अपना जो हनी है उसको क्या करेंगे कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ लेयर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हनी इसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आती तो इसके ऊपर ना एक ऐसा कवरिंग सा लगा होता है, जब आप उस कवरिंग को हटाओगे तो बीज अपने आप क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी और आपको क्या मिल जाएगा, प्योर हनी मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, एपिकल्चर करते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिशरीज। ठीक है, फिशरीज में क्या होता है, फिशरीज के अंदर सिर्फ फिशेज इंक्लूड नहीं होते, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के, मतलब जितने भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी सीज के अंदर जो भी हम लोग को एडिबल फूड मिलता है, ठीक है, एडिबल ऑर्गेनिज्म मिलता है, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, फिशरीज के अंदर आते हैं। तो देखो मैंने क्या यहां पे क्या लिखा है, फिशरीज का मतलब क्या है, दैट इज कैचिंग प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ द फिशेज, ठीक है, मॉलस्कस एंड क्रस्टेशियंस, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज क्रस्टेशियंस। इतनी बातें क्लियर है? जितने भी फिशेस होंगे, मोलास्कस होंगे और क्रस्टेशियंस होंगे, ये सारे इंक्लूड करके किसके अंदर आएंगे, फिशरीज के अंदर आएंगे, ठीक है। तो अपने आपको कंफ्यूज मत करना कि फिशरीज के अंदर से फिश पकड़ा जाता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो फिशेज दो तरीके से पकड़ी जा सकती है, या तो कल्चर्ड करके, मतलब कल्चरिंग, ठीक है, यहाँ पे मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई जमीन है तो उस जमीन को क्या कर दो, वहां पे खड्डे वड्डे बना दो और उसके अंदर पानी डाल के वहां पे खुद का ही जो फिश है उसको कल्चर कर लो, तो ये एक तरीका हो सकता है। या फिर वाइल्ड, वाइल्ड मतलब क्या, कि नदी में या फिर समुद्र में जाके फिशेस को क्या कर लो, पकड़ लो, ठीक है, ये वाइल्ड तरीका हो सकता है। इतनी बातें क्लियर है? अब इसी फिशिंग में एक टाइप होता है, दैट इज पेसिकल्चर। पेसिकल्चर सिर्फ और सिर्फ होता है फिशेस के लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, फिशेस के लिए, और वो भी कौन से फिशेस के लिए, दैट इज कल्चर्ड फिश, ठीक है, कौन से फिश, दैट इज कल्चर्ड फिश, मतलब आप एक जगह पे उसे उगाओ, कभी भी अगर आप पकड़ोगे, ठीक है, कोई भी फिश का समुद्र में पकड़ोगे या फिर रिवर्स में पकड़ोगे तो वो पेसिकल्चर के अंदर नहीं आएगा। पेसिकल्चर के अंदर सिर्फ क्या आएगा कि अगर आपके पास कोई एरिया है तो उस एरिया में आप क्या करो, फिश को कल्चर करो। इतनी बातें क्लियर है, समझा? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। कुछ फिशेस के टाइप्स है, कौन कौन से टाइप्स है, दैट इज मैं बात कर रहा हूं, दो टाइप्स में मैंने डिवाइड किया, दैट इज फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, दैट इज सी वाटर, ठीक है, दो अलग अलग टाइप से क्या मिलते हैं, फिशेस मिलते हैं। कौन कौन से टाइप है आप लोग याद करने हैं, एक है अपना कटला, ठीक है, रोहू, मृंगल एंड मैग्यूर, ठीक है, ये चार टाइप के फिशेस जनरली बहुत सारे होते हैं लेकिन आपके बुक में सिर्फ कितने इंक्लूड किए हैं, चार इंक्लूड किए, तो आपको ये चार दिमाग में बिठा लेने हैं। क्लियर है इतना? फिर अगर मैं बात करूं सी वाटर की, ठीक है, तो सी वाटर में कौन कौन से, देखिए दैट इज सार्डिन, ठीक है, हिल्सा, पॉम्फ्रेट और सैल्मोन, ठीक है, ये चार टाइप के क्या है फिशेस आपको सी वाटर में मिलेंगे और ये चार टाइप के फिशेस क्या है आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे। क्लियर है, याद हो जाएगा बहुत से। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दैट इज लैक कल्चर के बारे में। अब लैक कल्चर क्या होता है, देखो कुछ छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जिसे हम लोग लैक बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैक बैक्टीरिया बोलते हैं, और वो कुछ चीजों को प्रोड्यूस करते हैं जो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है उसको बहुत ज्यादा जगहों पे यूज किया जाता है, जैसे बैंगल्स बनाने में यूज किया जाता है उसको, टॉयज बनाने में यूज किया जाता है, वुडन वर्क में बनाने में यूज किया जाता है, इंक, मिरर, ऐसे बड़ी सारी चीजें होती है, ठीक है, ऐसे बड़ी सारी चीजें होती है जिसमें लैक वाली चीजों को यूज किया जाता है, लैक प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। तो इसको सबसे ज्यादा कहां किया जाता है पूरे दुनिया में, सबसे ज्यादा इसको पूरे दुनिया में कहां किया जाता है, इंडिया में किया जाता है, दैट इज कितना, पूरे दुनिया का 85% लैक कल्चर कहां पे होता है, हमारे इंडिया में होता है, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया होता है छोटा सा जिसका क्या नाम है, दैट इज ट्रैकियाडा लैका, ठीक है, ट्रैकियाडा लैका, इसको क्या करते हैं, देखो जनरली इसके अंदर ना एक ककून फॉर्म होता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया क्या होता है, ककून, इसकी एक पूरी लाइफ साइकिल है, ठीक है, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया सबसे पहले उगेगा, फिर वो किसके अंदर जाएगा, ककून फॉर्म में जाएगा। अब वो ककून फॉर्म में जाने के बाद बहुत सारे लीव्स को क्या करने लगता है, खाने लगता है, ठीक है, बड़े सारे टाइप्स के लीव्स होते हैं, उनको क्या करता है, वो खाता है और जैसे खाता है अपना क्या करता है, वो एरिया इंक्रीज कर लेता है, अपना वेट इंक्रीज कर लेता है, और उसके बाद वो क्या हो जाता है, एक छोटे से ककून में अपने आपको पूरी तरह से क्या कर लेगा, पैक कर लेगा, ठीक है, पूरे से ककून में क्या कर लेगा, खुद को पैक कर लेगा, और कुछ टाइम बाद वहां से वो बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, दैट इज ट्रैकियाडा लैका, ठीक है, ट्रैकियाडा लैका, वहां से वो बैक्टीरिया निकलता है, ठीक है, उसके बाद वो क्या करना चालू कर देता है, दैट इज लैक का प्रोडक्शन करना चालू कर देता है। अब वो जैसे ही लैक का प्रोडक्शन उसका कंप्लीट हो जाता है, अब इंसान तो है बहुत बेकार चीज, ठीक है, इंसान क्या करता है, उसको जो गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में उस बैक्टीरिया को डाल देते हैं, इसके वजह से बैक्टीरिया की मौत हो जाती है, और जो भी हमको वो जो लैक प्रोड्यूस किया रहता है वो इंसान क्या करते हैं, उसको निकाल के उसको इन सारी चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कहां काम आता है वो, बैंगल्स को बनाने में, टॉयज को बनाने में, वुडवर्क को, मिरर्स को, और बहुत सारी चीजों को बनाने में इसका यूज किया जाता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो यहां पे हमारा एनिमल वाला टाइप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
क्लियर है, ठीक है। लेसन भी इतना ही है, कुछ आगे चल के कुछ माइक्रोब्स की बातें भी चल रही, लेकिन वो एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में नहीं आता। फिर भी अगर मैं माइक्रोब्स की बात करूं तो माइक्रोब्स कुछ ऐसे होते हैं जो हम लोग बोल सकते हैं कि डेयरीज प्रोडक्ट में काम आता है। हम लोग ने ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है, योगर्ट प्रोडक्शन में, चीज प्रोडक्शन में बड़े सारे जगह पे माइक्रोब्स काम आते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे सीवेज को मैनेज करने में भी माइक्रोब्स का काम होता है, ठीक है, क्लियर है। तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल पार्ट नहीं, उसके आप रीड करोगे, उसे आप रीड करके भी इजिली खत्म कर सकते हो, समझा। इसलिए वो पार्ट मैंने यहां पर इंक्लूड नहीं किया है, क्लियर है, ठीक है, समझा। तो ये लेसन यहां पे खत्म होता है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नया सीखने के लिए मिला तो लेसन क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक जरूर से करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इंस्टाग्राम पे आके मुझसे बात भी कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो, इतनी बातें क्लियर है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, भूलना नहीं है किसी को भी, ठीक है। सबको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, बहुत ही कम एमबी की एप्लीकेशन है, 12-13 MB की एप्लीकेशन, और बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज आपको मिलने वाली है उसके ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।